नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के ऊपर, आईएलडी के ऊपर। एक आम भाषा में कहें तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में फेफड़ों में सिकुड़न होनी शुरू हो जाती है, फेफड़े धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाते हैं। आखिर हम इन बीमारियों को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फेफड़ों में, लंग्स में जो इंटरस्टीशियम होता है वो इन बीमारियों में अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, इसलिए इन बीमारियों को इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ कहा जाता है। इंटरस्टीशियम क्या होता है? इंटरस्टीशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे फेफड़ों का, लंग्स का, जिसके थ्रू, जिसको क्रॉस करके ऑक्सीजन हवा से हमारी कोशिकाओं में एंटर करती है, ब्लड में एंटर करती है, फिर ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है ताकि शरीर के जो बाकी हिस्से होते हैं, दिमाग, लिवर, किडनी, ब्रेन, सब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ में ये जो छोटी सी पतली सी परत होती है, बहुत ही पतली सी परत होती है ताकि ऑक्सीजन आराम से क्रॉस कर जाए, ये मोटी हो जाती है, ठीक हो जाती है, इसलिए इन बीमारियों को इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ कहा जाता है। आखिर इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ कितने प्रकार की होती है? देखा गया है कि इंटरस्टीशियल लंग डिजीज 300 से भी ज़्यादा प्रकार की देखने को मिलती है। कुछ केसेस में इडियोपैथिक होती है जिसका कोई कारण नहीं होता। कुछ केसेस में ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे SLE, स्क्लेरोडर्मा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस या सर्किडोसिस के पेशेंट्स में भी आईएलडी देखने को मिलती है। और तीसरे वो होते हैं जिनमें कुछ एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है, जैसे कुछ लोग घरों में बर्ड्स को रखते हैं, पक्षियों को पालते हैं, मवेशी रखते हैं, कई चारा रखते हैं, इनमें मोल्ड्स, फंगस ग्रो करता है और इसका एक्सपोजर होने से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होती है, जो एक खास किस्म की इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ होती है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड आईएलडीज़ भी होते हैं, कुछ मेडिकेशन दवाइयां लेने से भी आईएलडीज़ होती हैं। और उसके बाद कुछ ऑक्यूपेशनल आईएलडीज़ होती हैं जैसे एस्बेस्टोसिस, हेलिकोसिस, जो लोग सीमेंट के कारखानों में काम करते हैं, कोयले के खदानों में काम करते हैं, उनको ये इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ हो सकती है। आखिर इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ में मरीजों को क्या दिक्कत रहती है, क्या तकलीफ़ होती है? उनको अधिकतर मरीजों को सूखी खांसी रहती है और चलते समय सांस फूलता है। अगर उनको इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हुई है, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस या SLE, स्क्लेरोडर्मा, तो उनको डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, मतलब इन बीमारियों में जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे आइज में इन्वॉल्वमेंट होती है, आँखों में दिक्कत रहती है, अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो रैशेस हो जाएंगे, स्किन टाइट होनी, थिक होनी शुरू हो जाएगी स्किन, जोड़ों में दर्दें होनी शुरू हो जाएंगी, मुंह में छाले होने शुरू हो जाएंगे, बाल कम होने शुरू हो जाएंगे, तो ये डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। पर इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़ में जो मुख्य जो दिक्कत रहती है, सूखी खांसी और चलते समय सांस फूलना। आखिर आईएलडी को डायग्नोस कैसे करें? किसी भी बीमारी में डायग्नोसिस के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ज़रूरी होती है पेशेंट की, पेशेंट को कितने टाइम से दिक्कत है, पेशेंट को तकलीफ़ क्या है, उसके बाद पेशेंट का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आते हैं। हिस्ट्री में अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि भाई उनको 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से सूखी खांसी है और धीरे धीरे उनको जब चलते हैं तो सांस फूलता है। ये तो होगी क्लिनिकल हिस्ट्री। उसके बाद उनको अगर कनेक्टिव टिश्यू साथ में है, आईएलडी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, डिसऑर्डर्स की वजह से है, तो उनको जोड़ों में दर्द है, स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आईज में प्रॉब्लम्स होती हैं, रैशेज होते हैं, फोटो सेंसिटिविटी होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, ये सारी दिक्कत उनको रहती हैं जिनको आईएलडी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से। ये सारी तो हो गई हिस्ट्री। उसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट जब डॉक्टर के सामने बैठता है तो डॉक्टर आपको, पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले जो नज़र जाती है, नेल्स पे जाती है। आईएलडी के जो पेशेंट होते हैं उनके जो नेल्स होते हैं उनमें डिफॉर्मिटी होती है, जिसको हम क्लबिंग कहते हैं। नेल्स जो होते हैं थोड़ा सा मुड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्लबिंग कहते हैं, अक्सर आईएलडी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको इस आले से एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कुछ खास किस्म की साउंड सुनने को मिलती हैं जिसको वेलक्रो क्रेप्ट्स कहते हैं आईएलडी के पेशेंट में। ये हो गया एग्जामिनेशन। उसके बाद
इन्वेस्टिगेशंस की बारी आती है। आईएलडी को डायग्नोज करने की आपके डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के लिए, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए। कोई भी आईएलडी को डायग्नोज करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको हम कहते हैं हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन, HRCT। यहाँ तक तो हमने डायग्नोज किया कि भाई आईएलडी है या नहीं है। अब इसके बाद ये देखना होता है कि आईएलडी कौन सी प्रकार की है, किस तरह की आईएलडी है। तो उसके लिए कुछ खास किस्म के टेस्ट होते हैं। 80% तो ये देखा जाता है कि ये सारे जो ब्लड टेस्ट मैंने आपको बताए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, HRCT पे हम ये भी पता लगा लेते हैं कि भाई आईएलडी कौन से प्रकार की है। तो कुछ केसेस में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से प्रकार की है, इसलिए डॉक्टर लंग बायोप्सी वो ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू भी करी जा सकती है। लंग्स में एक छोटा सा पाइप डाला जाता है और लंग से एक बायोप्सी ली जाती है, या ओपन लंग बायोप्सी, सर्जिकल लंग बायोप्सी भी करी जा सकती है, ये पता लगाने के लिए कि मरीज को कौन सी किस प्रकार की आईएलडी है। अब आईएलडी का ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? आईएलडी का ट्रीटमेंट मुख्य रूप से फार्माकोथेरेपी है, जिसमें ड्रग्स या दवाइयाँ दी जाती हैं, या लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस किसी भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है अगर आप शराब या सिगरेट का सेवन करते हैं तो उसको बंद करिए। भरपूर मात्रा में सब्जियां और फलों का यूज़ करिए अपने नियमित आहार में। नियमित रूप से एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीनेशन और निमोनिया वैक्सीनेशन किसी भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में बहुत ही आवश्यक है। अब आईएलडी में फार्माकोथेरेपी कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? मुख्य रूप से 3 तरह की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। स्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं जिसमें माइकोफेनोलेट है, मिथोट्रिक्सेट है, एजाथायोप्रीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, और तीसरे नंबर पे आती हैं एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स, प्रोफेनिडॉन या निंटेडेनिप। बहुत साल पहले जब ये दवाइयों का पता नहीं था, प्रोफेनिडॉन या निंटेडेनिप का, तो हर प्रकार की आईएलडीज में स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते गई, पता लगा तो ये पता चला कि जो एक खास किस्म की आईएलडी होती है जिसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, बल्कि और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए इस तरह की आईएलडी में प्रोफेनिडॉन या निंटेडेनिप भी दिए जा सकते हैं। IPF में, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, 2 दवाइयाँ उपलब्ध हो गई जिसको हम प्रोफेनिडॉन कहते हैं या निंटेडेनिप कहते हैं। बाकी जो आईएलडीज होते हैं जैसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, सार्केडोसिस है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की जो आईएलडीज होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, स्क्लेरोडर्मा, इनमें स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये ब्रॉडली 2 कैटेगरी होगी, जिसमें एक तो हो गया जिसमें हम स्टेरॉयड या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ देते हैं, और दूसरा IPF हो गया जिसमें प्रोफेनिडॉन या निंटेडेनिप देते हैं। परंतु पिछले 2-3 साल से और रिसर्च हो रही है जैसे, तो पता लगा कि कुछ जो नॉन IPF वाली IUDs होती हैं जिनमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नहीं है, उसमें भी बहुत जल्दी से IUD बढ़ती है। फेफड़ों में सिकुड़न बहुत तेज़ी से हो रही होती है, फेफड़े बहुत जल्दी से छोटे होते जाते हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं। ये 20-40% केसेस होते हैं नॉन IPF कैटेगरी में, जिनमें प्रोफेनिडॉन या निंटेडेनिप भी दी जा सकती है। इसलिए अब कौन सी दवाई कब देनी है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, कौन सी वैरायटी की आईएलडी है और कौन सी स्टेज पे है। अगर इनिशियल स्टेज पे है तो सार्केडोसिस है जैसे, या स्क्लेरोडर्मा है, तो यहाँ पे स्टेरॉयड इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वही बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से सिकुड़न हो रही है, तो इसमें प्रोफेनिडॉन या निंटेडेनिप भी दिए जा सकते हैं। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जो आईएलडी के स्पेशलिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको स्टेरॉयड की ज़रूरत है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग की ज़रूरत है या एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स की ज़रूरत है। कुछ केसेस में तीनों की तीनों दवाइयाँ मिलाकर भी देनी पड़ती हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो
जिनमें हमने स्टेरॉयड भी दे दिया, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स भी दे दिए, एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स भी दे दिए, फिर भी आईएलडी धीरे धीरे बढ़ रही है, सिकुड़न बढ़ती जा रही है, इस तरह के मरीजों में निरंतर ऑक्सीजन शरीर में कम होना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस तरह के मरीजों में पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के लिए, उनको बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करें, घर पे भी यूज़ करें, अगर आपको बैठे हुए ऑक्सीजन की कमी है तो घर पे यूज़ करें, अगर आपको लगता है कि चलते समय ऑक्सीजन कम होती है तो आप चलते समय ऑक्सीजन का यूज़ करें। ऑक्सीजन थेरेपी जो एडवांस्ड केसेस होते हैं आईएलडीज़ के, जो आईएलडीज़ बढ़ जाती है तो उनमें ऑक्सीजन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को जल्दी से डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है ताकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। अगर हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को जल्दी डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो फेफड़ों को आगे ख़राब होने से रोका जा सकता है। थैंक यू।